इनके परम सखा थे। मतलब जी महाराज ये चाहते थे कि हम आपको संदेशा देना चाहते हैं, आप मथुरा जो वृंदावन है आप वहां पर जाओ, गोपियों का हालचाल देख करके आओ, कैसे हैं हमारे ब्रजवासी। उद्धव जी महाराज को भेजा गया, गोपियों के मन में कितना प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, अनन्य प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, गोपियों के मन में अनन्य प्रेम। उद्धव जी ज्ञानी थे, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे उद्धव जी महाराज, अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, मेरे समान संसार में कोई विद्वान नहीं। जब विद्वान मानते थे पर लेकिन ब्रज में जैसे ही पहुंचे ना वृंदावन में, तो उदो को उदो सुदो है गयो सुन गोपी के ज्ञान बजाई डुमडुबी ढोल बजायो। उदो सुदो हो गयो सुन गोपिन के बैल, क्योंकि बृहस्पति पुत्र को अधिक अभिमान था, गोपियों ने उनका सारा अभिमान दूर कर दिया। आज समझ गए उद्धव जी महाराज कि ये कितना बड़ा बिंदु माने गोपियों में उपस्थित करते हैं, अब तक नहीं समझ रहे थे। तब गोपियां क्या कहती है, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। Oh,
गोपियों ने उद्धव के अभिमान को दूर किया। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, वापस लौट करके आए और कन्हैया को सारा उपदेश बताया। हाजी समय हो चुका है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे अब हम आपका, केवल मात्र 10 मिनट में हम रुक्मणी मंगल पर पहुंचेंगे। जरासंध बहुत बड़ा राक्षस था, उसको भगवान के द्वारा भगवान ने उसको वध किया। महाराज भीष्मक है, महाराज जो भीष्मक है उनकी 4 बेटे हैं और 4 ही पुत्री हैं, कुंडलपुर के रहने वाले हैं, कुंडलपुर के नरेश हैं। भीष्मक महाराज की जो सबसे छोटी पुत्री रुक्मणी है, वह शुरू से ही उसने भगवान को अपना पति मान रखा था। वह भगवान से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि कृष्ण भगवान को सब लोग ये कहते थे ना कि एक नहीं ये दो दो बापों का, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो भगवान ने इस पृथ्वी पर कोई अपना कोई महल नहीं बनाया, भगवान ने जाकर के द्वारका में नव द्वारका का निर्माण किया। बोले सब लोग मुझे ताने मारेंगे तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करता, इसलिए द्वारका में जाकर के निर्माण किया, जल के बीच में द्वारका को बनाया। भीष्मक जी का जो बड़ा पुत्र है वह दुष्पाल के साथ रुक्मणी का विवाह करना चाहता था। भीष्मक जी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा बहन विवाह के योग्य हो गई है, कोई सुंदर सा वर ढूंढो। उसने कहा, ढूंढने की क्या जरूरत है, चंदेरी नरेश सुषपाल, जो चंदेरी नरेश है वह सुषपाल है, बोले ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, जो सुषपाल है उसके साथ मैंने फिक्स कर दिया है, वह आएंगे और रुक्मणी का विवाह उनके साथ होगा। भीष्मक जी महाराज की बिल्कुल इच्छा नहीं थी विवाह के लिए कि शिशुपाल के साथ विवाह हो, और भगवान जो भीष्मक जी थे भावी बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। आज रुक्मणी ने बिचारी एक कमरे में बंद है, उसको पता है कि शिशुपाल के यहाँ से बरात आने वाली है। उसने शिशुपाल के यहाँ से जब बरात आने वाली है तो वह कमरे में बंद हो गई। बोले द्वारकाधीश को मेरा समाचार कैसे पहुंचे। एक ब्राह्मण देवता आ रहे थे मार्ग से, ब्राह्मण देवता को आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता को आवाज लगाई, बोले ब्राह्मण देवता मेरा एक काम करोगे। बोले क्या, मेरा एक संदेशा है, यह पहुंचा देना द्वारकाधीश के लिए। भाभी आ कह रही थी, अरे रुक्मणी तू तैयार नहीं हो रही, तुझे मेहंदी लगाना है। सखियां कह रही थी लेकिन वो तैयारी नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना था। आज ब्राह्मण देवता को समझाया रुक्मणी ने, ब्राह्मण देवता द्वारका पहुंचे। जैसे ही द्वारका में पहुंचे, भगवान द्वारपालों ने कहा किससे मिलना है। बोले हमें द्वारकाधीश से ही मिलना है। द्वारकाधीश के समक्ष ब्राह्मण देवता को ले जाया गया। ब्राह्मण देवता से भगवान ने प्रणाम किया, बोले अरे ब्राह्मण देव कैसे कृपा की, कहाँ से आए हो। बोले हम कुंडलपुर से आए हैं, एक संदेशा लेकर के आए, और गुप्त संदेशा है, इसको केवल आप ही पढ़ना। भगवान ने जैसे ही संदेश देखा, श्रुत्वा भगवान सुंदर श्रृण्वतान्ते, क्या लिखा रुक्मणी ने, बोले प्रभु मैंने आपका वर्ण कर रखा है और मैं आपको आज से नहीं, आपको बाल्य काल से आपकी मैंने कहानियों को सुन रखा है, और मेरा भाई शिशुपाल, मेरा भाई शिशुपाल के साथ विवाह मेरा करना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता। अब आप ही बताओ, शेर के भाग को हिरण लेकर के चला जाए तो क्या अच्छी बात है। जब भगवान ने पत्र को खोला, पढ़ा, देखा, भगवान बिल्कुल नहीं रुके, बोले मैं गौरी पूजा के लिए आऊंगी, वहां पर आपका इंतजार करूंगी। जैसे ही ब्राह्मण देवता पत्र देकर के आए, रुक्मणी को वापस आकर के कहा,
कि द्वारकाधीश ने पत्र प्राप्त हो गया, वो अवश्य बना रहेंगे। आज खुशी का हमारा वार नहीं रहा। और रुक्मणी अपनी भाभियों के पास गई और भाभियों से कहती है, आओ भाभी, आओ मेरी भाभी, मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे लगा दो, मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दिखा दो, मुझे संगीत में भागवत कथा में किस प्रकार से पुरानी दिल्ली में
रस की धारा बह रही है। तमाम भक्त महिलाएं यहां आज देखी जा सकती हैं। कमल विहार पुराड़ी 40 फुटा रोड पर के बिल्डर यहां पर संगीत श्रीमद भागवत कथा ज्ञान का कार्यक्रम चल रहा है, देखा और सुना जा सकता है। तमाम भक्त आज भजनों पर थरक थरक के प्रभु को याद कर रहे हैं।